हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, कल हम लोगों ने द वेज ऑफ इन्फिनिटिव देखा था। इसमें यह देखा था कि जो इन्फिनिटिव है टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वो सब्जेक्ट के सेंस में इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट के सेंस में इस्तेमाल होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है और एडवर्ब होता है। ये मैंने आपको 5-6 प्रकार मैंने कल आपको बताए थे, वेज बताए थे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो इन्फिनिटिव है वो सिंपल इन्फिनिटिव हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। तो मैं इसके चारों काइंड बताने वाला हूं मैं आपको, और चारों काइंड के एक्टिव और पेसिव वाला फॉर्म भी बताने वाला हूं, एक्टिव पेसिव। और साथ साथ में आपको मैं बेयर इन्फिनिटिव बताऊंगा। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है जहां पर टू नहीं लगाया जाता। अगले वर्ब को जोड़ने के लिए मोस्टली टू का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बेयर इन्फिनिटिव में हम लोग टू नहीं लगाते। अगले वर्ब को जोड़ने के लिए बिना टू के हम लोग उसको एड कर देते हैं। तो ये चंदन कुमार का डाउट था। चंदन कुमार ने मुझे कहा था कि सर थोड़ा डिटेल्स में बताएं, सारे इन्फिनिटिव्स को समझाइए। तो आज मैं आपको इसका सेकंड पार्ट लेने वाला हूं। कल पहला पार्ट था जिसमें मैंने आपको वेज बताए थे, एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब, एटसेट्रा एटसेट्रा। आज मैं आपको बताऊंगा ये सिंपल इन्फिनिटिव, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो में आखिर तक रहें, उसकी हर बात को समझिए, सेंटेंस मेकिंग को समझिए, और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें। और मैं इसका ट्रांसलेशन में आपको सिखाऊंगा कि न केवल स्पीकिंग में काम आएगा बल्कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी होगा। इसलिए आप मेरे वीडियो को आखिर तक देखें और उसकी हर बात को समझिए। तो दोस्तों, चालू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग समझते हैं इन्फिनिटिव्स को। इन्फिनिटिव्स का मैं पहला पार्ट बताता हूं आपको, पहला काइंड बताता हूं। पहला काइंड है सिंपल इन्फिनिटिव। सिंपल इन्फिनिटिव में टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर हम लोग इसको डू से कंपेयर करें तो टू डू होता है। इसका पेसिव फॉर्म रहेगा टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। और अगर हम लोग इसको डू से कंपेयर करें, तो इसका होगा टू बी डन। तो दोस्तों, इसका एक एक सेंटेंस लेते हैं और समझते हैं कि हम लोग इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे। आई एम टू लर्न इंग्लिश, एक्टिव पार्ट। आई एम टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखना है, मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूं। इसका पेसिव पार्ट बनेगा इंग्लिश इज टू बी लर्न्ड, इंग्लिश इज टू बी लर्न्ड, अंग्रेजी सीखे जाने को है, अंग्रेजी सीखे जाने वाली है। तो ये इसका पेसिव पार्ट बना। सेकंड सेंटेंस, यू नीड टू क्लीन द हाउस, यू नीड टू क्लीन द हाउस, तुम्हें घर साफ करने की जरूरत है, तुम्हें घर साफ करने की जरूरत है। इसका पेसिव फॉर्म बनेगा द हाउस नीड्स टू बी क्लीन्ड बाय यू, द हाउस नीड्स टू बी क्लीन्ड बाय यू, तुम्हारे द्वारा घर साफ किए जाने की जरूरत है, तुम्हारे द्वारा घर साफ किए जाने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये मैं इसके दो दो सेंटेंस लिए। अब मैं आपको सभी काइंड्स के कम से कम दो दो सेंटेंस लूंगा, एक्टिव के और पेसिव के, जिससे हमारा वीडियो बड़ा ना हो जाए। अब हम लोग आते हैं कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव में। कंटिन्यूस में हम लोग ये देखेंगे, कंटिन्यूस इन्फिनिटिव में अगर एक्टिव वाइज की बात करें तो टू बी वर्ब में आईएनजी लगता है, टू बी वर्ब में आईएनजी। और पेसिव वाइज वैसे इसका बनता नहीं है, अगर पेसिव वाइज इसका बनता तो ये ऐसा बनता टू बी बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कि पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो इसका हम लोग इन्फिनिटिव का पेसिव कंटिन्यूस नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना है, ये पॉसिबल नहीं है, ग्रामेटिकल रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं। इसको बनाने के लिए जनरली जो वर्ब होता है वो होता है अपियर, हैपन, सीम, प्रटेंड, होप, थिंक। और अगर हम लोग इसको डू से कंपेयर करें तो टू बी डूइंग हो जाएगा एक्टिव वाइज में। और पेसिव वाइज में अगर हम लोग इसको कंपेयर करें, जो कि पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं कंपेयर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, टू बी बीइंग डन। अब यहां पर दोस्तों, बी और बीइंग दोनों पास पास आ रहे हैं, एक ही फैमिली के दो मेंबर्स पास पास आ रहे हैं, इसलिए ये ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाएगा, इसलिए इसका पॉसिबल नहीं होता, नॉट पॉसिबल, इट्स ऑलवेज रॉन्ग, ये हमेशा रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि बी और बीइंग कभी भी एक साथ नहीं आते, बी और बीइंग कभी भी एक साथ नहीं आते, इसलिए यह ग्रामेटिकली रॉन्ग है। हम लोग इसका एक्टिव पार्ट ही देखेंगे। इट अपियर्स या सीम्स दैट ही इज स्टडिंग इन दिस स्कूल, इट अपियर्स या सीम्स दैट ही इज स्टडिंग इन दिस स्कूल, ऐसा लगता है कि वह इस स्कूल में पढ़ रही है, ऐसा लगता है कि वह इस स्कूल में पढ़ाई कर रही है। का पेसिव फॉर्म नहीं बन पाएगा, यस। तो इसका सेकंड पार्ट ये था,
फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ, इट अपियर्स या सीम्स दैट ही इज स्टडिंग इन दिस स्कूल, वह इस स्कूल में पढ़ती हुई, वह इस स्कूल में पढ़ रही है ऐसा प्रतीत होता है, वह इस स्कूल में पढ़ रही है ऐसा प्रतीत होता है। इसको हम लोग दूसरे तरीके से बना सकते हैं, और ये तो इन्फिनिटिव वाला पार्ट में बताता हूँ, ये तो मैंने जनरली कंजंक्शन से मैंने बनाया है इसको। अब इसका इन्फिनिटिव वाला पार्ट रहेगा एक्टिव आई सी है ये, इट अपियर्स या सीम्स टू बी स्टडिंग इन दिस स्कूल, इट अपियर्स या सीम्स टू बी स्टडिंग इन दिस स्कूल, ऐसा लगता है कि वह इस स्कूल में पढ़ रही है, ऐसा लगता है कि वह इस स्कूल में पढ़ रही है। ओके, इसका पेसिव वाला पार्ट नहीं बनेगा। एक और सेंटेंस में लेता हूं, इट सीम्ड दैट ही वाज आर्गुइंग, इट सीम्ड दैट ही वाज आर्गुइंग, ऐसा लगता था कि वह बहस कर रहा था, ऐसा लगता था कि वह बहस कर रहा था, ऐसा प्रतीत होता था कि वह बहस कर रहा था। तो हमने इसका इन्फिनिटिव वाला पार्ट लिया है, ही सीम्ड टू बी आर्गुइंग, ही सीम्ड टू बी आर्गुइंग, वह बहस करता हुआ प्रतीत होता था, वह बहस करता हुआ प्रतीत होता था। तो ये दो सेंटेंस मैंने एक्टिव वाइज के लिए, इसके क्योंकि इसका पेसिव वाइज पॉसिबल नहीं, मैंने ऊपर ही आपको मैंने बताया। अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव में। परफेक्ट इन्फिनिटिव की अगर हम लोग बात करें तो टू हैव आपका थर्ड फॉर्म लगेगा, टू हैव आपका थर्ड फॉर्म एक्टिव वाइज में, और हम अगर हम लोग इसको डू से कंपेयर करें तो टू हैव डन, टू हैव डन कहेंगे। पेसिव वाइज में ये होगा टू हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, टू हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये इसका फॉर्मूला है। अगर इसको डू से कंपेयर करें तो टू हैव बीन डन होना चाहिए, टू हैव बीन डन होना चाहिए। अब कुछ सेंटेंस लेते हैं इसके, इट सीम्स दैट ही हैज लेफ्ट द जॉब, इट सीम्स दैट ही हैज लेफ्ट द जॉब, ऐसा लगता है कि उसने नौकरी छोड़ दी है, ऐसा लगता है कि उसने नौकरी छोड़ दी है। अब इसका हम लोग ने इन्फिनिटी वाला पार्ट बनाया परफेक्ट का, ही सीम्स टू हैव लेफ्ट द जॉब, ही सीम्स टू हैव लेफ्ट द जॉब, उसने नौकरी छोड़ दी है ऐसा लगता है, उसने नौकरी छोड़ दी है ऐसा लगता है। अब मैं इसका पास्ट टेंस वाला पार्ट लेता हूं, ही प्रिटेंडेड दैट ही हैड हेल्प्ड मी, ही प्रिटेंडेड दैट ही हैड हेल्प्ड मी, उसने नाटक किया, उसने बहाना किया कि उसने मेरी मदद की थी, उसने बहाना किया कि उसने नाटक किया कि उसने मेरी मदद की थी। अब इसका हम लोग इन्फिनिटी वाला पार्ट लेते हैं, ही प्रिटेंडेड टू हैव हेल्प्ड मी, ही प्रिटेंडेड टू हैव हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद किए जाने का बहाना किया था, उसने मेरी मदद किए जाने का बहाना किया था। दोस्तों ये इसका एक्टिव वाला पार्ट हुआ, एक्टिव वाला पार्ट हुआ। अब हम लोग इसका पेसिव वाला पार्ट लेते हैं, पेसिव वाला पार्ट मैं अलग से बता रहा हूं, इसी को मैं पेसिव नहीं बना रहा हूं। ही सीम्स टू हैव बीन बिटन, ही सीम्स टू हैव बीन बिटन, वह पीटा गया है ऐसा प्रतीत होता है, उसे पिटाई पड़ गई है ऐसा प्रतीत होता है, मतलब उस पर पिटाई पड़ गई है, वह पीटा गया है ऐसा प्रतीत होता है, उसे पीटा गया है ऐसा प्रतीत होता है। जिसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, अगर हम लोग इन्फिनिटी की बात ना करें, कंजंक्शन से इसको जोड़ें, तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं, इट सीम्स दैट ही हैज बीन बिटन, इट सीम्स दैट ही हैज बीन बिटन। तो दोस्तों यहाँ पर दैट्स का इस्तेमाल किया गया, जबकि पहले सेंटेंस में हमने इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया, टू हैव बीन बिटन कहा हमने, ये पेसिव वॉइस का एग्जाम्पल है। एक सेंटेंस और लेते हैं, दे आर लाइकली टू हैव बीन अरेस्टेड, दे आर लाइकली टू हैव बीन अरेस्टेड, ऐसी संभावना है कि वे गिरफ्तार हो गए हैं, ऐसी संभावना है कि वे गिरफ्तार हो गए हैं। इट इज लाइकली दैट दे हैव बीन अरेस्टेड, अब इसका कंजंक्शन से ऐड किया मैंने, पहला सेंटेंस इन्फिनिटिव वाला था, वे गिरफ्तार हो गए हैं ऐसी संभावना है, इट इज लाइकली दैट दे हैव बीन अरेस्टेड, ऐसी संभावना है कि वे गिरफ्तार हो गए हैं, यानी वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, हम लोग इसको ऐसा ही बोल सकते हैं। तो ये इसका पेसिव वाला फॉर्म था। अब दोस्तों अब हम लोग आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस को अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो टू हैव बीन वर्ब में आईएनजी आता है इन्फिनिटिव में, टू हैव बीन वर्ब में आईएनजी आएगा इन्फिनिटिव में, और अगर हम लोग इसको डू से कंपेयर करें तो टू हैव बीन डूइंग कहेंगे, टू हैव बीन डूइंग कहेंगे। कंटिन्यूअस का पेसिव नहीं बनता है, कंटिन्यूअस का पेसिव नहीं बनता है, खास करके इन्फिनिटिव में। उसी प्रकार परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पेसिव नहीं बनेगा इन्फिनिटिव में, ये केवल एक्टिव वॉइस में यूज किया जाएगा। अब हम लोग इसके कुछ सेंटेंस लेते हैं जिससे हमको सारी बात क्लियर हो जाएगी कि हम लोग कैसे बनाएं। पहला सेंटेंस, इट अपियर्स दैट ही हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर मेनी इयर्स, इट अपियर्स दैट ही हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर मेनी इयर्स, ऐसा लगता है कि वह इस स्कूल में कई सालों तक
पढ़ाते रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह इस स्कूल में कई सालों से पढ़ाते रहे हैं, इसका यह भी मीनिंग हो सकता है, या कई सालों तक पढ़ाते रहे हैं, यह भी मीनिंग हो सकता है, क्योंकि फॉर का मतलब तक भी होता है से भी होता है। आप इसको जो भी मान लें, कई सालों तक पढ़ाते रहे हैं या कई सालों से पढ़ाते रहे हैं, आप दोनों में से कोई भी मान सकते हैं। डिपेंड्स करेगा आपको कि यहाँ पर कौन सा अर्थ निकालना है। और इसका एक और लेते हैं सेंटेंस, और इट अपीयर्स टू हैव बीन टीचिंग। अब मैं इसको इट से ले रहा हूँ, ये पहला वाला तो कंजंक्शन से हमने लिया था, इसको कंजंक्शन से ऐड किया था। अब मैं इसका इन्फिनिटिव वाला पार्ट बताता हूँ। इट अपीयर्स टू हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर मेनी ईयर्स। इट अपीयर्स टू हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर मेनी ईयर्स। ऐसा लगता है कि वह इस स्कूल में कई सालों तक पढ़ाते रहे हैं, ऐसा लगता है कि वह इस स्कूल में कई सालों से पढ़ाते रहे हैं। आप दोनों तरीके से इसको हिंदी में समझ सकते हैं। अब दोस्तों सेकंड सेंटेंस लेते हैं। शी सीम्स टू हैव बीन इग्नोरिंग यू। शी सीम्स टू हैव बीन इग्नोरिंग यू, ये पहला मैंने इन्फिनिटिव वाला पार्ट लिया है। ऐसा लगता है कि वह तुम्हें ऐसा लगता है कि वह तुम्हारी उपेक्षा करती रही है, वह तुम्हें नजरअंदाज करती रही है, वह तुम्हें इग्नोर करती रही है। ऐसा लगता है कि वह तुम्हें इग्नोर करती रही है, ऐसा लगता है कि वह तुम्हें तुम्हारी उपेक्षा करती रही है, ऐसा लगता है कि वह तुम्हें नजरअंदाज करती रही है, ऐसा लगता है कि वह तुम्हें इग्नोर करती रही है। आप जो भी समझना चाहें समझ लीजिए, बस आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं इसका कंजंक्शन वाला पार्ट देता हूँ, जिसको हम लोग कंजंक्शन से कैसे जोड़ेंगे हमको समझ में आ जाएगा। इट सीम्स दैट शी हैज बीन इग्नोरिंग यू। इट सीम्स दैट शी हैज बीन इग्नोरिंग यू, ऐसा लगता है कि वह तुम्हें इग्नोर करती रही है, ऐसा लगता है कि वह तुम्हें नजरअंदाज करती रही है, ऐसा लगता है कि वह तुम्हारी उपेक्षा करती रही है। आप अपने हिसाब से जैसा समझना चाहें समझ लेते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको चारों पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको बेयर इन्फिनिटिव बताने वाला हूं। बेयर इन्फिनिटिव जिसका मतलब होता है बिना टू के। अगले वर्ब को जोड़ने के लिए कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके आने के बाद अगला वर्ब आएगा तो हम लोग टू नहीं लगाएंगे, जैसे मेक हो सकता है, लेट, फील, हियर, सी, वॉच, नोटिस, इनके बाद जब भी अगले वर्ब को जोड़ेंगे तो हम लोग बिना टू के जोड़ेंगे। इसका मैं 80 पेज दोनों पार्ट लूंगा, दोनों पार्ट में इसको समझाऊंगा। शी सीज मी ओपन द डोर, वह मुझे दरवाजा खोलता हुआ देखती है। वह मुझे दरवाजा खोलता हुआ देखती है। इसका पेसी वाला पार्ट, आई एम सीन टू ओपन द डोर। आई एम सीन टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलता हुआ देखा जाता है। दोस्तों जब बेयर इन्फिनिटिव का हम लोग पेसी वाला फॉर्म बनाएंगे तब हमको टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन एक्टिव वॉइस में टू नहीं आता है। सी और ओपन को हमने, सी से ओपन को हमने जब ऐड किया तो बिना टू के हमने ऐड किया, यहाँ पर टू नहीं लगाया, जबकि पेसी वाले पार्ट में अगले वाले सेंटेंस में हमने टू लगाया है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही मेड मी क्राई, उसने मुझे रुलाया। ही मेड मी क्राई, उसने मुझे रुलाया। आई वॉज मेड टू क्राई, आई वॉज मेड टू क्राई, मुझे रुलाया गया था या मुझे रुलाया गया, ये पेसी वाला फॉर्म है जहाँ पर हमने टू का इस्तेमाल किया है। तो चंदन कुमार, मुझे उम्मीद है कि आपको सारे फॉर्म्स समझ में आ गए होंगे। इसका सिंपल वाला पार्ट, कंटिन्यूस वाला पार्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस वाला पार्ट, उसके साथ साथ मैंने बेयर इन्फिनिटिव मैंने आपको बता दिया। ये चारों पांचों पार्ट मैंने आपको बताया। वीडियो बहुत बढ़िया था, मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना है, जिससे हर किसी को इस प्रकार के डाउट्स क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको आज का जो वीडियो है बहुत पसंद आया होगा, सारे डाउट्स क्लियर होंगे हो गए होंगे। आपको अब तक जो डाउट रहता था कि ये इन्फिनिटिव आखिर होता क्या है, इसका एक्टिव क्या होता है, पेसिव क्या होता है, मुझे काफी स्टूडेंट्स ने इसके पहले भी क्वेश्चन किया था, रिक्वेस्ट किया था कि सर इन्फिनिटिव को थोड़ा डिटेल्स में बताइए, उसका एक्टिव और पेसिव वाला पार्ट बताइए। तो मुझे लगा कि आज मैं इसको समझाऊं। तो दोस्तों एक ही वीडियो मैंने चारों को मैंने शामिल किया है, तो सबके मैंने दो दो एग्जाम्पल लिए हैं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।